तो भाई नीरज चोपड़ा को इतिहास रचने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ी होगी। वेल अगर आप नहीं जानते तो जिस समय पूरा भारत सो रहा था उस समय इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भी भारत को गोल्ड दिलाया। इन्होंने 88.17 मीटर दूर जेवलिन को फेंका। और ऐसा काम करने में हमें फिजिक्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये गोल्ड मेडल अचीव करने का फॉर्मूला है अच्छी ग्रिप, स्पीड, किस एंगल में फेंका है, एयर रेजिस्टेंस और जेवलिन के एरोडायनेमिक्स और नीरज चोपड़ा के कई सालों की प्रैक्टिस और डिसिप्लिन। तो आओ चलो देखते हैं कि नीरज चोपड़ा ने इस रिकॉर्ड को बनाते वक्त कितना फोर्स लगाया होगा। तो डिस्टेंस है 88.17 मीटर, जेवलिन का साइज 2.6 मीटर और वेट 600 ग्राम्स और एंगल को हम हॉरिजॉन्टल मानकर चलते हैं। तो एक रफ एस्टिमेशन ले तो फोर्स निकल के आती है 19 न्यूटन। लेकिन ये फोर्स पूरी तरह सही नहीं, क्योंकि फोर्स इनिशियल वेलोसिटी, एंगल और भी कई फैक्टर जैसे टेम्परेचर पर तक डिपेंड करता है, जिससे एयर की डेंसिटी पर फर्क पड़ता है और अल्टीमेटली रिजल्ट पर भी। और ये फैक्टर्स हमें नहीं पता, लेकिन कमाल साइंस पता करते रहने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब।